कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the commands as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे, देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। Thank you.
the inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here, knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival. The Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए इसमें एक काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें, और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister, as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life.